LTH के साथ मैं आज मौजूद हूँ PC में रावलपिंडी, और यहाँ पे फैशन रेस सीजन 6 हुआ जा रहा है, और जहाँ पे डिजाइनर्स, मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट हैं, और यहाँ पे आए हुए हम लोगों से गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि इतने अच्छे क्राउड है, जो न्यू हमारे डिजाइनर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताएं कि आपको आज का फैशन शो कैसा लगा? शो DJ3 ने हमेशा बहुत अच्छे शो किए हैं, और आतिफ ने माशाल्लाह हमेशा सीजन 1 से लेके सीजन 6 तक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है, बहुत ज़बरदस्त शो करता है। सबसे बात है कि नए लोगों को, बहुत नए टैलेंट को बहुत प्रमोट करता है आतिफ। सर, आपने एज अ सिंगर यहाँ पे काम किया है, वर्क किया है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपको सिंगिंग के प्लेटफॉर्म में कितना टाइम हो चुका है? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए सिंगिंग में, और मेरे काफ़ी देखो 12-15 गाने माशाल्लाह सुपर डुपर हिट हुए। जो अभी गाना था छल्ला छल्ला मैं यार वाला पाई रख सा, छल्ले नू सीने नाले लाई रख सा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू। सर, मुझे बताओ आपको आज का फैशन शो कैसा लगा? शो तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, और एज यूजुअल DJ3 प्रोडक्शन का जो शो होता है वो बहुत रॉक जाता है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह इनके पहले वाले सीजन बहुत अच्छे जा रहे हैं, और दिन ब दिन ये कुछ नया लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली इस दफ़ा भी ये कुछ नेक्स्ट टाइम रॉक लेकर आएंगे, कुछ नया थीम लेकर आएंगे, जो हमारी न्यू जनरेशन के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हमारा अपना सैलून है, और हमने एज अ ब्यूटिशियंस जो है यहाँ पे आई हैं, और जो मॉडल्स हैं वो हम लोगों ने उनका मेकअप किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये फर्स्ट टाइम आपने किया है यहाँ पे? नहीं, हम लोगों का पहले 5 सीजन थे, लेकिन सैलून हमने अभी तैयार किया, तो फर्स्ट टाइम समझे हम लोगों ने प्रमोट किया अपने सैलून को। आफ्टर 5 ईयर्स अपने आप को किस मकाम पर आप जाती हैं? हम लोग 5 ईयर्स में इधर ही थे, लेकिन हम एज अ गेस्ट आते थे। आज हम खुद जो है ना यहाँ पे, मतलब पीछे ब्यूटिशियंस हमारी तैयार हो रही हैं, मतलब मॉडल्स तैयार हो रही हैं, और हम जो हैं ब्यूटिशियंस हैं, तो काफ़ी जो है कन्फ्यूजन भी है, नर्वस भी हैं, बट समझ नहीं आ रही अभी क्या होगा। आपको मॉडलिंग करके कैसा लगा? बहुत खुश हूँ मैं आज। चाहते हैं कि आप आगे इस चीज को प्रोसीड करें? जी, आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूं मैं। यहां पे जो न्यू मॉडल्स आने वाले, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि आगे जाने के लिए मेहनत करें, जिम करें, और अपने काम के ऊपर फेम बनाने के लिए फोकस करें। आप मुझे ये बताएंगे आपको इस फील्ड में आते हुए कितना टाइम लग चुका है? मुझे कम से कम 2 साल हो गए इस फील्ड में। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसा कि DJ3 जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी प्रोडक्शन है, जिसमें हर कोई आके एक लेवल पे पहुंच जाता है, हमने भी स्टार्ट लिया था, और हम भी DJ3 के आज उस लेवल पे हैं कि हर बंदा जानता है, और इस फील्ड में आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आपने इस फील्ड में 2 साल लगाए हैं, ठीक है, आगे भी माशाल्लाह आप करेंगे, तो क्या ड्रॉबैक्स हैं जो आपने अपने आप को किल किए और आपने पॉलिश करके आगे चले? इस फील्ड से जैसा कि आप भी जानती हैं कि मॉडलिंग स्टेप है जैसे कि एक्टिंग का, और यहाँ से ही हो के बंदा आगे जाता है, तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीदें, होप्स मेरी हैं कि इंशाल्लाह आगे जाना है काफ़ी, और जैसा कि एक पहली सीढ़ी से अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, और इससे भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे अगर DJ3 का साथ रहा और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स आए हुए हैं, इनका साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। अभी किस डिज़ाइनर का क्लोथ्स पेयर किए हुए हैं? मैंने एक खानी ब्रांड की वॉक की है, उसके अलावा उस्मान फैसल की वॉक की है, उसके अलावा वसीम डिज़ाइनर हैं, उनकी वॉक मैं कर रहा हूँ। आज जो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ वो वसीम डिज़ाइनर है हमारे, और बहुत अच्छे डिज़ाइनर है ये, मैंने उन्हीं का ड्रेस वेयर किया हुआ है, उन्हीं की मैं आज वॉक कर रहा हूँ। ये बताएं कि आपके लिए फैशन कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आए हुए लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी फैशन इंडस्ट्री में आना चाहता है वो इस प्रोडक्शन के थ्रू आए, जो DJ3 प्रोडक्शन है, यहाँ पे आपको वो एनवायरनमेंट मिलेगा कि कहीं और नहीं मिलता। ये नंबर 1 DJ3 प्रोडक्शन जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे नंबर 1 प्रोडक्शन है। फैशन शो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा जो है प्लान किया, सारा मॉडल्स भी एंड मेकओवर सारा कुछ बहुत अच्छा है क्या है यहाँ पे। तो मुझे बताइए, आपने एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आपको कितना अर्सा हो चुके हैं? मुझे ऑलमोस्ट एज अ मेकअप आर्टिस्ट और शो बेस में जो है ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं मैं काम करो पाकिस्तान में।
कैसे एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और हर बार हर शो में हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नया लेके आए लोगों के लिए ताकि उन्हें कुछ नई मोटिवेशन मिले। अच्छा सर, आपको इस फील्ड में कितना अर्सा हो चुका है? मुझे इस फील्ड में तकरीबन 20 साल हो गए हैं। ज्वेलरी की फील्ड में मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। गोल्ड का हमारी सराफा बाजार में 20 साल पहले की दुकान है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह 21 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी तैयार करते हैं सराफा बाजार रावलपिंडी में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यानी कि जो है ना ज्वेलरी का काम किया हमने, काफ़ी बेहतर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कर रहे हैं, अभी हमारी शॉप जो है सराफा बाजार में है, अगर आप विजिट करें तो इंशाल्लाह आएँ ज़रूर। जी बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं, और हमारी जो सी इस्लामाबाद की इंडस्ट्री अब बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है, और हम कम्पिटीट कर रहे हैं लाहौर को और कराची को कम्पिटीट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं इस इवेंट को मैनेज कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें अब फुल लाइन अप चल रही हैं, और न्यू जनरेशन को जो न्यू मॉडल्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, ताकि हमारी ये इस्लामाबाद की भी मॉडल इंडस्ट्री में और ये फैशन इंडस्ट्री ग्रूम करे। आप सिर्फ इवेंट फैशन इवेंट्स ही आप करते हैं या डिफरेंट इवेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज़ मेरी होती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उनको भी मैं मैनेज करता हूँ, ज़्यादातर फैशन शोज़ को मैं मैनेज करता हूँ, और इसके अलावा एम्बेसीज के मेरे पास इवेंट्स होते हैं उनको मैं मैनेज करता हूँ। ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सा इवेंट रहा है आपके लिए? सबसे अच्छा इवेंट मेरा सरीना में था, कॉर्पोरेट इवेंट था और बड़ा मज़ा आया। और दूसरे नंबर पे फैशन की बात की जाए तो डीजे थ्री वालों का सबसे अच्छा फैशन शो होता है, और उसको मैनेज करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है, और ये सबसे अच्छा इवेंट होता है पिंडी इस्लामाबाद में डीजे थ्री वालों का। आपको आज का इवेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत से प्रोफेशनल्स लोग आए हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा सोफिस्टिकेटेड माहौल है, आई एम वेरी इंजॉइंग एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर आपने यहाँ पे स्पॉन्सर किया है शो को, तो आप आने वाले शो को इनको स्पॉन्सर करेंगे? जी बिल्कुल, एक्चुअली बैक वॉल में आप देख रहे हैं ये मेरी कंपनी क्रिएटिक सॉल्यूशन, और इस को ऑर्गेनाइज करने वाले सैम जेबी प्रोडक्शन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और इनकी तमाम प्रिंटिंग वो मेरी कंपनी ने की, और प्रिंटिंग बैक वॉल में मेरी कंपनी हाईलाइट। आप स्पॉन्सर करने के अलावा और क्या काम करते हैं? इसके अलावा मैं एक दो बिजनेस और भी हैं मेरे, तो मेरे बिजनेस मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। आज का इवेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, बहुत मज़ा आया है, फैमिली के साथ आए हुए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फंक्शन है। ये बताएं कि फैशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? फैशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रेंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको सोसाइटी में मूव करने के लिए पता होना चाहिए, आई थिंक उस लिए फैशन बहुत ज़रूरी है। ये फैशन और ट्रेंड जो है तो वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ट्रेंड्स और फैशन में क्या डिफरेंस है? ट्रेंड्स और फैशंस में आई थिंक ट्रेंड्स ही फैशन बनाते हैं, आई थिंक के मतलब आप जो ट्रेंड में चल रहे वो एक फैशन बन जाता है। कि लेडीज़ को बहुत फैशन का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आजकल मेल्स को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मेल्स को भी बिल्कुल है, और अब तो माशाल्लाह हमारे मेल आपने देखे हैं, मॉडल्स भी, फीमेल मॉडल्स भी बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइनर्स भी बहुत अच्छे हैं, और अच्छी बात है, मतलब दोनों के लिए स्कोप होना चाहिए, ना कि खाली फीमेल के लिए या मेल के लिए। तो आपके खुद की कलेक्शन अच्छी लगी है? मुझे उस्मान फैसल की बहुत अच्छी लगी है कलेक्शन, काफ़ी अच्छी मुझे उनकी लगी है, बाकी सबकी अच्छी थी लेकिन आई थिंक उस्मान फैसल की काफ़ी अच्छी थी। मैं खुद भी होस्टिंग करती हूँ और मैं एक्टर भी हूँ, इसके अलावा जो है आई एम द पार्ट ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़ लाइक जैसे आज यहाँ पे पीसी में हम लोगों का फैशन शो हुआ था, और ये बहुत ही अच्छा था जिसमें जितने भी डिज़ाइनर्स आए थे, एक मैं जो हूँ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और इसके साथ साथ जो है मेरा जो फेसबुक है वो भी एक एक्टिव इसी वजह से एक्टिव है, क्योंकि मैं जो भी हमारे यहाँ पर पिंडी में इस्लामाबाद में जितने भी ओकेजन्स होते हैं उनको लोगों के तक पहुंचाना कि देखिए हमारे भी यहाँ पर ऐसे मौके फराहम किए जा रहे हैं कि जिनको जो फैमिलीज़ के साथ आके आप इंटरटेन हो सकते हैं। तो आज का भी जो फंक्शन था बहुत अच्छा था, कुछ फेमस होस्ट थे उन्होंने होस्टिंग की, और मॉडल्स भी बहुत अच्छे थे। कपड़ों के हिसाब से मैं कहूँगी कि कपड़े जो थे अभी जो डिज़ाइनर्स थे वो और भी मतलब नए डिज़ाइनर्स को उन्होंने शायद ज़्यादा मौका दिया था,
और मेरे ख्याल में उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए नए डिज़ाइनर्स को कि वो आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं। इसी तरह से मॉडल्स भी उन्होंने कुछ नए लिए थे तो अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा लोगों का एक हजूम था, जैसे लगता तो यही है कि अच्छा फैशन शो था और बहुत मज़ा आया। हर दफ़ा की तरह एक दफ़ा कुछ नया ही दिखने को मिलता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आतिफ वसीम साहब गेटेड थ्री प्रोडक्शन के जो ऑनर हैं तो उन्होंने हर दफ़ा कोई ना कोई वेदर के हिसाब से न्यू कलेक्शन लाते और माशाल्लाह बहुत अच्छी थी इस दफ़ा की इनकी कलेक्शन जो भी थी। आपको किसकी कलेक्शन अच्छी लगी है? मुझे इस टाइम सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी है खानी की, जिसमें वासिफ अली एंड आपा जी जिनको ये कहते हैं और अरसलान सल्लू, इन तीनों की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बहुत अच्छे डिज़ाइन दिए सीजन के हिसाब से, बहुत अच्छा कुछ था इनका। मुझे बताएं कि आपके लिए एक फैशन एक पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मैं कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिलीज को आना चाहिए, देखना चाहिए कि हर दफ़ा जो जो नए डिज़ाइन आते हैं और वो आएँ देखें और उसके मुताबिक ही मेरे हिसाब से डिज़ाइन करने चाहिए उनको। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर आप फेमस टिकटॉकर हैं, मुझे बताएं कि आपको कितना अर्सा हो चुका है टिकटॉक में? यार टिकटॉक को मैं मतलब वैसे यूज़ कर रहा था देखने की हद तक, लेकिन अभी कुछ 6-7 मंथ हुए हैं कि जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग टिकटॉक पर मशहूर हो रहे हैं। हमारी मेरी एक फील्ड ऐसी है कि आई एम अ फ्रीलांसर होस्ट ना, तो मैंने कहा यार इसमें भी इन होना चाहिए। जैसा आपने देखा बड़े बड़े सिंगर भी सब लोग इसमें आ रहे हैं, तो मैंने कहा हम भी ट्राई कर लेते हैं, आ जाते हैं। तो बस ये 6-7 महीनों से ये कर रहा हूँ। आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बस ये है कि थोड़ा रेगुलर होना पड़ता है, समटाइम हम नहीं हो पाते तो रेगुलर वीडियोज़ पोस्टिंग से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जो हमारे बिगिनर हैं टिकटॉकर्स, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बिगिनर टिकटॉकर कोई भी है जो टिकटॉक स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए यही है कि आप 4 से 5 वीडियोस जो है आप डेली पोस्ट करो, अच्छे से अच्छी नई कंसेप्चुअल वीडियोस बनाओ और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दो। और स्पेशली वो टिकटॉकर्स जिनके ऑलरेडी कोई फैंस हैं, एक बड़ा फैन क्लब है, उन्हें चाहिए कि बाकी म्यूजिक की वीडियो के अलावा एक अपनी वॉइस में एक पॉजिटिव मैसेज जो कम्युनिटी के लिए एक अच्छा साबित हो वो ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। DTH के साथ आज हम मौजूद हैं PC में, जहां फैशन रेस सीजन 6 हुआ जा रहा था। यहां पे मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स, मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट मौजूद थे और यहां पे डिफरेंट डिज़ाइनर्स जिन लोगों ने अपने डिज़ाइन शोकेस किए। इसी तरह हमें मालूम होता है कि फैशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विंटर कलेक्शन होती है, हमारा समर कलेक्शन होती हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमारे लिंक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा DTH न्यूज़ चैनल। थैंक यू।